आपके सामने टीम का रैपअप पेश करते हैं। 10 जो खिलाड़ी आज फोकस में रहेंगे उनमें सबसे पहले LIC ऑफ इंडिया, काफ़ी अच्छे नतीजे हैं और ब्रोकरेजेस ने भी रिजल्ट्स को थम्सअप दिया है। देखते हैं कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है। अर्निंग्स को ग्रीन लेके चल रहा हूँ। AstraZeneca काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, मार्जिन में थोड़ा प्रेशर है लेकिन ओवरऑल नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। 35% का रेवेन्यू ग्रोथ। टिमकेन इंडिया 10% डिस्काउंट में एक ब्लॉक डील आज होने वाली है। प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचने वाले हैं, लगभग 6.5% हिस्सा। स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर पर रह सकता है आज, तो ये भी स्टॉक रेड में लेके चल रहा हूँ। फिनोलेक्स केबल्स कॉन्फ्रेंस कॉल की अपडेट्स काफ़ी शानदार थी, स्टॉक कल भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में था, तो आज मोमेंटम कंटिन्यूड रह सकता है। सुमितोमो केमिकल्स और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा हुआ है जिसके कारण स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और चार स्टॉक्स जहाँ नंबर्स थोड़े वीक रहे हैं, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, एलगी इक्विपमेंट्स और GMDC, सारे स्टॉक्स में आपने मार्जिन पे प्रेशर देखा है, प्रॉफिट पे प्रेशर देखा है, तो शायद ये स्टॉक्स थोड़े बहुत आज रेड में खुलते हुए नजर पड़े। चारों स्टॉक जो है रेड में लेके चल रहा हूँ। ओके, नतीजों पे पूरा फोकस है। नेल्को के नंबर अच्छे हैं यहाँ पे, इसलिए इसको ग्रीन में रखा है। नेटको फार्मा, ल्यूमेक्स ऑटो, SH केलकर, पद्मजी पेपर्स, इन सब ने काफ़ी अच्छे नंबर पेश किए हैं और सब में आप देखेंगे ऑपरेटिंग नंबर्स हो या मार्जिन हो बेहतर है, इसलिए इनको ग्रीन में रखे हैं। NMDC ने निराश किया है इसलिए इसको रेड में रख रहे हैं। HBL पावर और क्रिस्टल इंटीग्रेटेड ने बहुत ही शानदार नंबर पेश किए हैं, मतलब खैर अपने रिजल्ट्स को उन्होंने जो अपने अनुमान थे उसको बीट किया है। डाबर और कोलगेट इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि कल मॉनसून का प्रोडिक्शन जो आया है बहुत अच्छा है, तो जो एकदम रूरल बेस वाली कंपनीज हैं उस पर हमें लगता है कि अपटिक देखने को मिल सकता है, इसलिए डाबर और कोलगेट को ग्रीन में लेके चल सकते हैं। ओके, निफ्टी की ट्रैक्टरी है 22979, अभी फ्रीज नहीं हुआ, टिक्स आ रहे हैं अभी 980 करीब, यानी 30,000 के जोन को स्ट्राइक करेगा। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपके दो टॉप ट्रेड्स इन टीम्स में से। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, अगर यतीन जी की टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया लग रहा है वो है LIC इंश्योरेंस। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे एक मोमेंटम मिलना चाहिए जिसका टारगेट होगा करीबन 1100 का, तो इससे बाई LIC इंश्योरेंस स्टॉप लॉस होगा 1020 के आसपास का। नीरज जी की टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया लगता है वो थोड़ा डिफेंसिव बेट मैंने यहाँ पे चूज किया, वो है डाबर। डाबर में देखिए कल एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है और उसका टारगेट कम से कम मोमेंटम जो चल रहा है मुझे लगता है वो 585 तक जाएगा, सो डाबर बाय करें, स्टॉप लॉस होगा 560 का।